हमने रिप एनी जी आईपीआरपी आईपी वर्जन 6 पे इनेबल करके देख लिया था सारे उसके कमांड्स कैसे रन होते हैं। अब हमें करना था क्या, ओएसपीएफ। क्लियर? तो मैंने क्या करा है, हमारा सेम सिनेरियो सेम टोपोलॉजी है, तीन राउटर पे ही हमने वर्क करा था। तो मैंने इस पे पहले से सबको आईपी एड्रेस एंड लूप बैक सब पे कंफिगर करके रख दिया है, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव होगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं सब पे। तो कमांड है शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, एक यहाँ पे आपकी आईपी चल रही है 10.1.12.1 एंड एक लूप बैक है आपका ये। ठीक है, और एक तो ये आपके लिंक लोकल FE8 से जो 0 होती है वो तो ऑलरेडी इसमें इनेबल होती है, और एक मैंने लूप बैक बनाया है आईपी वर्जन 4 का। ठीक है, उसको भी चेक कर ले, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। एक बना है मेरा लूप बैक 1.1.1.1 का। ठीक है, प्रोटोकॉल स्टेटस दोनों मेरे अप है। क्लियर? अब हम राउटर 2 पे भी चेक कर लेते हैं। पहली बार हम सब पे चेक कर लेते हैं, शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, 12.2 इनेबल है, 23.1 इनेबल है, और एक आपका लूपबैक इनेबल है। अब आप वर्जन 4 चेक कर लीजिए, एक लूपबैक आपका 2 का इनेबल है। ठीक है, और बस लास्ट हम 3 पे चेक कर लेते हैं, देन आगे चलते हैं। डू शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, 23.2 इनेबल है और एक आपका लूपबैक इनेबल है। एंड डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक आपका आईपी वर्जन 4 का लूपबैक भी इनेबल। तो यानी मैंने सबको आईपी एड्रेस देखे, यहाँ पे पिंग करके एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अभी तो बस डायरेक्टली कनेक्टेड ही पिंग करेगा। क्यों? यस 10.1.12.2 को पिंग कर लेते हैं, तो बस डायरेक्टली कनेक्टेड ही अभी पिंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अभी हमने कोई भी राउटिंग यहाँ पे इनेबल नहीं करी है। क्लियर? नहीं किया। चलिए, तो अब हम ओएसपीएफ इनेबल करना सीखते हैं। तो यहाँ पे सेम सारा चीजें आपका R1 पे गए, एंड इस बार आपको आईपी वर्जन 6 और राउटर कौन सा लेना है देखिए। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएगा। रिप एन आईजीआरपी हमने कर लिया है, अब हमें करना है ओएसपीएफ एंड सेम प्रोसेस जैसे वर्जन 4 में था आपका, क्या प्रोसेस आईडी। क्लियर? प्रोसेस आईडी आप किसके बिटवीन ले सकते हैं, 1 से 65535। तो अगेन हम क्या चूज कर लें, 5 चूज कर लें जो हम वर्जन 4 में यूज करते थे। ठीक है, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। क्लियर है रवि जी? एंड यहां से आप इसको एग्जिट कर दीजिए, एंड फिर ओ सॉरी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। ठीक है, इंटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मैसेज आया है क्या, मैंने जब आईपी राउटर ओएसपीएफ 6 इनेबल किया, जैसे एक मैसेज आया यहाँ पे क्या, आईपी वर्जन 6 राउटिंग नॉट इनेबल। मतलब यहाँ पे क्या है, आईपी वर्जन 6 का हमें राउटिंग इनेबल करना पड़ता था वहां पे राउटिंग प्रोसेस। आईपी वर्जन 6 हम कैसे इनेबल करते थे, आईपी वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग, क्योंकि आईपी वर्जन 4 बाय डिफॉल्ट राउटर पे इनेबल होता है, बट आईपी वर्जन 6 के लिए हमें कमांड क्या टाइप करनी पड़ती है यहाँ पे, आईपी वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग। अब इसके बाद क्या हो गया, इसमें वर्जन 6 की सारी सर्विसेज इनेबल हो गई है। क्लियर है? अब आप अपना सारा कर लीजिए, इंटरफेस रेंज, यहाँ से रेंज से मैं लूपबैक और एक मेरा इंटरफेस कौन सा है, 0/0 फास्ट इथरनेट 0/0। तो इसको मैं थोड़ा सा, तो क्लियर है, दिख रहा है ना प्रॉपर? तो रेंज कमांड से मैं यूज कर ले रही हूँ 0/0 एंड एक आपका लूपबैक 0 से मैंने क्रिएट करा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर दीजिए कौन सा, ओएसपीएफ आईपी वर्जन 4 ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी, एंड अब आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, आपका एरिया। याद है ना ओएसपीएफ में एरिया का कॉन्सेप्ट होता था? तो अभी मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ, ये सारे आपके किस एरिया में है, एरिया 0 में। ठीक है,
ये आपका कौन सा है, अज्यूम एरिया जीरो, क्लियर। यही मैंने एरिया जीरो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, हो गया आपका ओएसपीएफ, क्लियर। एक्सिट कर दीजिए एंड देन यहाँ पे अच्छा okay. मैंने यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट आईपी वर्जन 4 के लूपबैक का लूपबैक एक मैंने सारे राउटर पे क्रिएट करा था। देखिए R1 पे 1.1.1 क्यों क्रिएट किया था, ये क्वेश्चन था क्यों राउटर पे हम एक आईपी वर्जन 4 का लूपबैक बनाए थे, क्यों बनाए थे, किसी को ओएसपीएफ का कुछ प्रोसेस याद है, क्या क्या सारी चीजें होती थी ओएसपीएफ में, डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट था और क्या क्या चीजें थी, एरिया कॉन्सेप्ट थी, अगर आपको याद होगा तो एक राउटर आईडी का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर आपको ओएसपीएफ का प्रोसेस याद होगा तो वहां पे क्या थे, दो राउटर की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे, राउटर आईडी, क्लियर। राउटर आईडी कितने बिट की, 32 बिट का होता था, इसलिए कभी भी हम ओएसपीएफ अगर आईपी वर्जन 6 के नेटवर्क में यूज कर रहे हैं तो हर एक राउटर पे एक एक आईपी वर्जन 4 का भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना मैंडेटरी होता है, क्लियर है। अच्छा अगर आपको बिलीव ना हो तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी राउटर 2 पे कोई ओएसपीएफ इनेबल नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे क्या है आईपी वर्जन 4 का एक लूपबैक ऑलरेडी इनेबल है, आप चेक कर लीजिए कैसे, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, एक मैंने लूपबैक कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, क्लियर। अब एक काम मैं करती हूँ, इस लूपबैक को मैं डिलीट कर देती हूँ, क्लियर। एक मैंने इसका लूपबैक किस नेम से दिया है, 1 से दिया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दिया, नो आईपी एड्रेस क्या 2.2.2.2 एंड इसका सबनेट मास्क, चेक कर लीजिए अगेन, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आपको यहां से क्या है लूपबैक 1 डिलीट हो चुका है, मतलब कोई आईपी एड्रेस इस पे असाइन नहीं है, क्लियर। अब आप एक काम करिए, राउटर 2 पे आप, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ओएसपीएफ की कमांड इनेबल करने जा रहे हैं, तो कमांड क्या थी, सिंपल थी, आईपी वर्जन 6 एंड अगेन राउटर, कौन सा लेना है इस बार हमें, रिपी आईजीआरपी नहीं लेना, ओएसपीएफ लेना है, ठीक है, और अगेन प्रोसेस आईडी हमारा सेम होना चाहिए, तो मैंने क्या लिया है 5। अब यहाँ पे पहले तो हम आईपी वर्जन 6 की राउटिंग इनेबल कर दें, यूनिकास्ट राउटिंग, तो इसको मैं एक बार और कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आता है वो मैं आपको मैसेज शो करना चाहती हूँ, क्या आ रहा है मैसेज यहाँ पे प्लीज पढ़िए, राउटर आईडी नहीं है, राउटर आईडी नहीं है। अच्छा राउटर आईडी का इलेक्शन प्रोसेस कैसे था, कैसे राउटर आईडी बनती थी, कुछ याद है, तो मैनुअल एसएन थ्रू नहीं तो फिर वो जो लूपबैक होगा ना, तो लूपबैक उसको चूज कर लेगा, परफेक्ट, हाईएस्ट लूपबैक, एग्जैक्टली हाईएस्ट लूपबैक एंड देन हाईएस्ट इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लूपबैक नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब प्लीज आप एक कॉन्फ़िगर कर दीजिए मैनुअली क्या राउटर आईडी, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली देख लेते हैं, मैनुअली भी हम राउटर आईडी, वैसे तो हमें पता है हम कैसे देते हैं, बट फिर भी देख लेते हैं, वर्जन 6 में आईपी वर्जन 6 और राउटर ओएसपीएफ के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड ही चलती है क्या, राउटर आईडी एंड देन जो भी आप राउटर आईडी को देना चाहते हैं आप यहाँ पे क्या करिए दे दीजिए, हो गया आपका। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, इसलिए आईपी वर्जन 4 का एक लूपबैक राउटर आईडी के लिए हम क्या करते हैं, इनेबल करके पहले से रखते हैं, क्लियर है। रिप एंड ईआईजीआरपी में भी राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट होता है, बट वो जीएनएस पे जो उसका कमांड है वो सपोर्ट नहीं करेगा, जब आप रियल पे करेंगे सेम प्रोसेस होता है जैसे हम ओएसपीएफ में करते हैं, वैसे ईआईजीआरपी में भी राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट होता है, बट रिप में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करिए, अगेन जो हम अपना करते थे इंटरफेस, जो मेरा लूपबैक है इंटरफेस है रेंज कमांड से, हम उसको किस में एडवर्टाइज कर देंगे, ओएसपीएफ में, ठीक है।
तो रेंज कमांड से मैं उसको यूज कर रही हूँ, फास्ट इथरनेट 0/0/0/1 और एक लूपबैक 0. IP version 6 and then OSPF 5 और एरिया अभी हमने क्या assume कर रहे हैं, सारे मेरे राउटर किसमें है, एरिया 0. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एरिया 0. ऐसे आप क्या करेंगे, R3 पे भी इनेबल करेंगे. क्लियर हो गया आपका, R2 पे OSPF इनेबल और वो एडवर्टाइज हो गए उसके सारे नेटवर्क्स. आप R3 पे आ जाइए, सेम IP version 6 एंड देन हमें क्या करना है, राउटर OSPF5. तो यहाँ पे इसके पहले मुझे इसका सर्विस ऑन करना है और इंटरफेस रेंज कमांड से 0/0 है, 0/0 एंड क्या है, एक उसका लोपैक एड्रेस है. ठीक है, देन आप किसमें एडवर्टाइज करना है, OSPF में IP version 6, OSPF 5 एंड देन आप एरिया डिफाइन कर दीजिए. हो गया आपका OSPF कॉन्फ़िगर. आगे सारे लोडिंग से किसमें आ गया, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया आपका, लोडिंग से फुल आ गया. 7 स्टेज प्रोसेस याद है OSPF के, आप चेक कर लीजिए. कैसे चेक करेंगे, डू शो IP version 6, so IP version 6 OSPF never command से आप चेक कर लीजिए क्या आ गया आपका स्टेट और क्या बनना है आपका R2 आपका DR बन गया है. क्लियर, इसी तरह आप एक और कमांड यहाँ से चेक करते थे ना, कौन सी, देखिए इतनी सारी कमांड है. आप इंटरफेस की कमांड चेक कर लीजिए, आप नेवर की कमांड चेक कर लीजिए, आप डेटाबेस की कमांड यहाँ से चेक कर सकते थे जिसमें किसकी इंफॉर्मेशन होती थी, सारे LSC की. तो LSC आपका प्रॉपर NP का टॉपिक है. देखिए LSC कौन सा, ये राउटर लिंक LSA 1 को हम क्या बोलते हैं, राउटर LSA 2 को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क LSA. क्लियर, देखिए यहाँ पे हमने तो टाइप 7 ही स्टडी करा था, अब यहाँ पे एक और टाइप आ गया है, क्या टाइप 8. तो ये आपको प्रॉपर मिलेगा किसमें, CCNP में. क्लियर, आप सबको आप पिंग करके चेक कर सकते हैं, पिंग किसको, हम R3 पे हैं तो हम R1 को पिंग करके चेक कर लेते हैं. ठीक है, सक्सेस रेट मेरा क्या हो गया, 100%. अब आप सब पे देख लीजिए उसका, तो IP version 6 OSPF never command से देख लीजिए. क्लियर, यहाँ तक आपका स्टेट कैसा आ रहा है, फुल आ रहा है. क्लियर, कोई डाउट, क्लियर रवि जी, साहिल, क्लियर. तो ये आपका था आज का टॉपिक, क्या OSPF का. ठीक है, तो आज हमने क्या फिनिश करा अपना, फाइनली IP services यहाँ पे भी आपके सारे DR BDR का कॉन्सेप्ट, आप अगेन अपना सारा इंटरफेस भी देख सकते हैं कि किन फॉर्म, जैसे हम देखते थे वर्जन 4 पे, वही आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या है, लूपबैक 0 अप है, आपका लाइन प्रोटोकॉल अप है, यहाँ पे एक आपको लिंक लोकल एड्रेस मिली हुई है जो ऑब्वियसली हमें पता है FE80 से स्टार्ट होती है, एंड देन एरिया आपने कौन सा कॉन्फ़िगर करा, एरिया 0, प्रोसेस आईडी क्या है 5, राउटर आईडी आपकी क्या बन गई है यहाँ पे 2.2.2.2 क्योंकि हमने मैनुअली क्या कॉन्फ़िगर करा था. अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या है, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट याद है, पॉइंट टू पॉइंट होता था, पॉइंट टू मल्टीकास्ट, कुछ याद है साहिल रवि जी? हाँ जी, हाँ जी मैम, याद है ना. तो ये सारे क्या है इसके, NBA
NBM में क्या होता है, यहाँ पे DRBDR का कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंट टू पॉइंट में कोई DRBDR का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब इसको कैसे, अच्छा यहाँ पे DRBDR का कॉन्सेप्ट है, पॉइंट टू पॉइंट में कैसे नहीं है, तो हमने जब हम IP वर्जन 4 हम स्टडी कर रहे थे उस पे, तो हमने प्रॉपर उसका एक लैब करके देखा था, राइट। अब आप यहाँ पे बस कुछ नहीं, एक कमांड से आप चेक कर सकते हैं क्या इंटरफेस फास्ट इथरनेट आपका कौन सा है सब। अच्छा मैं R1 पे कर देती हूँ, R1 पे 0/0 है ना, सिंगल फेज पे 0/0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आईपी वर्जन 6 एंड देन शिफ्ट क्वेश्चन, अच्छा OSPF, यहाँ तक तो ठीक है OSPF, एंड देन यहाँ पे कमांड चलती है आपकी क्या, नेटवर्क नहीं दिख रहा है क्या, हाँ नेटवर्क, एंड देन यहाँ पे आप क्या कर देंगे पॉइंट टू पॉइंट। याद है ना पॉइंट टू पॉइंट में क्या था, DRBDR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, क्लियर है। तो मैंने अब इसको क्या बना दिया है, पॉइंट टू पॉइंट बना दिया है। तो यहाँ पे अब आप आके अपना देख सकते हैं, नेबरशिप टू शो आईपी वर्जन 6 OSPF नेबर कमांड, देख रहे हैं क्या आ गया, डैश आ गया, कोई DR नहीं है, कोई BDR नहीं है और ना कोई DR अदर्स है, क्लियर है। ये तो बस आपका ऐसे ही था, एक लाइन की कमांड थी पॉइंट टू पॉइंट की, तो इसमें DRBDR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया ये, अदरवाइज हमने तो उसमें पूरा लैब इसका प्रॉपर करके देखा था, है ना साहिल, करा था ना पूरा प्रॉपर लैब। चलिए तो इसमें कोई डाउट आपको आईपी सर्विसेज में, इसको मैं क्लोज करती हूँ। अब हम अपना एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, आईपी सर्विसेज। टॉपिक क्या है आज हमारी, लास्ट टॉपिक सीएनए की, आईपी सर्विसेज। अब देखिए आईपी सर्विसेज क्या होती है, जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ और वहां पे मेरे क्या है बहुत सारे पीसीज हैं, तो मैं उसको क्या करूंगी, कुछ ऐसे, अच्छा कुछ सिनारियो मेरा ऐसे ही बनता है, एक आईएसपी होती है या मैं लैन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मेरे लैन में क्या है, मेरे ऑफिस में कई सारी पीसी है, क्लियर। उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, एक स्विच से कनेक्ट करते हैं, और स्विच को एक हम राउटर से कनेक्ट करते हैं, और राउटर मेरा किससे कनेक्ट होता है, एक मेरे आईएसपी कनेक्शन से, क्लियर यहां तक, क्लियर है, क्लियर है। किसी भी कंपनी का ऐसा ही तो सिनेरियो होता होगा, तो वहां पे क्या होगा, हम सारे पीसी को कुछ आईपी एड्रेस दे देंगे, लाइक 192.168.10.10, 10.11, 10.12 एंड 10.13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने सबको आईपी एड्रेस दे दिया, एंड राउटर के इस इंटरफेस पे भी मैंने एक आईपी एड्रेस दे दी, सपोज 192.168.10.1 दे देती हूँ, और मेरे आईएसपी पे एक मेरा डिफॉल्ट गेटवे सेट है, सपोज वो क्या सेट है 10.1.45.1, कोई भी एक आईपी ले लेते हैं, ठीक है। और राउटर के साइड पता है ना आईएसपी पे हमेशा हमें डिफॉल्ट राउटिंग होती है, एंड सपोज वहां पे मेरी डिफॉल्ट राउटिंग क्या है 10.1.45.1 है, तो हम कमांड कैसे देते थे डिफॉल्ट राउटिंग की, किसी को उसका सिंटैक्स याद है, इतना तो मैंने याद दिला दिया। मैं उसमें आईपी भी 0 है, 0 0, आईपी 0 नेट मास्क 0 उसका गेटवे, परफेक्ट, ठीक है। एनी नेटवर्क एनी मास्क एंड देन उसका क्या नेक्स्ट होप, तो मैं जैसे ही आईपी दूंगी मेरी क्या होगी कनेक्टिविटी हो जाएगी, एंड मैं क्या करूंगी सारे पीसी पे अपना डिफॉल्ट गेटवे क्या सेट कर दूंगी 10.1।
अब क्या होगा इस सिनेरियो में, मेरे सारे पीसी, सारे स्विचेस, राउटर, आईएसपी सारे एक दूसरे से क्या होंगे, कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। क्लाइंट अपनी इंफॉर्मेशन गेटवे तक एटलीस्ट ले जाएगा और गेटवे क्या करेगा, उसके पास राउटिंग का ऑप्शन होता है, राउटिंग हम करते हैं और उसके आगे वो आगे फॉरवर्ड करता है। अब लेट्स अज्यूम, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, यहाँ तक सही है सिनेरियो, समझ आ रहा है? मैंने एक डिफॉल्ट गेटवे सॉरी डिफॉल्ट राउटिंग कर दी तो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे आएगी? सपोज मेरा ये जो आईएसपी का जो लिंक है वो डाउन हो गया, मैंने जिससे इंटरनेट कनेक्शन लिया था वो लिंक ही मेरा क्या हो गया, डाउन हो गया। एंड मेरे नेटवर्क में क्या थे, सपोज 200 पीसी थे। अब मेरी प्रोडक्टिविटी भी तो ज्यादा होगी, मुझे लॉस भी ज्यादा होगा, कंपनी का बहुत लॉस हो जाएगा अगर क्या होगा आईएसपी का एक लिंक भी डाउन हो गया। सो इस प्रॉब्लम से हम बचने के लिए मोस्ट ऑफ दी कंपनी क्या करती है, रेडिडेंसी यूज करती है। क्लियर? रेडिडेंसी यूज करती है, बैकअप कनेक्शन रखती है अपने पास, सेम राउटर से अटैच हम क्या कर देंगे एक और आईएसपी कनेक्शन। जैसे मैंने क्या कर दिया, आईएसपी का एक रेडिडेंसी क्रिएट करके रख लिया और सेम राउटर से मैंने एक और आईएसपी कनेक्ट कर दिया। अब सपोज ये क्या था मेरा, सपोज ये था मेरा जियो का सपोज नेटवर्क और ये क्या था मेरा एयरटेल। ठीक है, एक जियो से मैंने कनेक्शन लिया था, दूसरा मेरा क्या था आईएसपी का कनेक्शन था। तो हम अपने राउटर को कैसे बताएंगे, मान लीजिए ये जो मेरा 10.1.45.1 था इसकी स्पीड थी क्या 100 Mbps, और नीचे जो मैंने दिया उसको भी एक यहाँ पे मैं डिफॉल्ट गेटवे सेट कर देती हूँ 65.1। सपोज इसकी स्पीड क्या थी, थोड़ी स्लो थी, ऊपर से 25 Mbps। क्लियर? तो मैं तो चाहूंगी ना कि मेरी सारी ट्रैफिक किससे जाए, हाई स्पीड वाले से जाए। तो इस तरीके की सेटिंग हम कैसे करते हैं, कुछ याद है कैसे हम, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ऊपर से ही, ऊपर वाले रूट से मेरे सारे ट्रैफिक जाए तो कैसे जाएगी, क्या करते थे, कि कुछ कॉन्सेप्ट याद है किसी को? हम ऐसे ही तो करेंगे ना, नेक्स्ट होप यहाँ पे ये करते थे, एक हमने कर दिया 45.1 के लिए 10.1.45.1, एक कर दिया किसके लिए 10.1.65.1। अब अगर मैं चाहती हूँ क्या कि 65 वाला मेरा क्या बन जाए प्राइमरी, या 45 वाला मेरा क्या बन जाए प्राइमरी, को समझ आ रहा है साहिल रवि जी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कुछ? तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हाँ जी हाँ जी हाँ बताते रहो मैं जी साहिल। कुछ कॉन्सेप्ट याद है, वही मैं पूछ रही हूँ। एडी वैल्यू इंक्रीज करते थे, यस यस, डिफॉल्ट जो एडी वैल्यू होती है उसको इंक्रीज करते थे। एग्जैक्टली, तो ये रूट मेरा क्या बन गया, ओह सॉरी, ये रूट मेरा बन गया सेकेंडरी, क्योंकि क्या होता है राउटर उसी राउटिंग प्रोसेस को यूज करते हैं जिसकी एडी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो कम वाला क्या हो गया मेरा, इस पे मैंने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं, तो जो बाय डिफॉल्ट वो चल रहा है, और इसकी एडी वैल्यू मैंने बढ़ा के क्या कर दी, प्राइमरी से इंक्रीज कर दी, तो ये मेरा बन गया प्राइमरी। यानी अब मेरी जो भी ट्रैफिक जाएगी किसके थ्रू जाएगी, 10.1.45.1 के थ्रू जाएगी, क्योंकि ये क्या बन रखा है आपका प्राइमरी। क्लियर है? और ये आपके कहाँ पे इंस्टॉल होता था, ये आपके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, क्योंकि इसकी एडी वैल्यू क्या है, लीस्ट है। क्लियर है? वैसे तो आपकी दो आईपी चल रही है बट लीस्ट एडी वैल्यू तो आपकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होती थी, राउटर लीस्ट वैल्यू को ही तो प्रीफर करेगा ना। क्लियर है? तो 10.1.45.1 क्या होगा आपके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये लिंक भी डाउन हो गया जिसको मैंने बनाया था प्राइमरी, अगर ये लिंक भी डाउन हुआ तो ट्रैफिक क्या होनी चाहिए मेरी, बाय डिफॉल्ट किससे जानी चाहिए, 10.1.65.1 से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। क्लियर? इतना समझ आ रहा है? यही करूंगी ना, अगर ये इसको मैंने क्या बनाया है प्राइमरी, बट प्राइमरी अगर डाउन हो गया तो क्या होना चाहिए मेरी सारी
ट्रैफिक किससे जानी चाहिए, मेरी सेकेंडरी से जानी जाती भी थी, हमने लैपिस का परफॉर्म करके देखा है। अब मान लीजिए क्या है, अगर लिंक नहीं, ये राउटर ही मेरा डाउन हो गया तो क्या होगा। अगर यहाँ पे मैंने सपोज एक और मैंने आईएसपी कनेक्शन लेके रखा हुआ है और अब एक लिंक डाउन हो गया, सपोज ये भी डाउन हो गया, बट यहाँ पे क्या केस हो गया, जिस राउटर से मैंने तीन तीन आईएसपी कनेक्शन लिया था, सपोज वो राउटर ही आपका डाउन हो गया तो ये क्या होगा यहाँ पे, इसको हम कहते हैं क्या, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मान लीजिए आपने एक और आईएसपी कनेक्शन लिया, आपके पास तीन तीन आईएसपी है, बट मैं अब इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस राउटर की। अब आपका राउटर ही फेल हो गया तो ये क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐसा मैं इसमें चेंजेस करती हूँ। तो मैंने क्या करा, यहां से राउटर की रेडिडेंसी बना ली। क्लियर है? अपने स्विच से मैंने क्या करा, दो राउटर कनेक्ट करके रख दिया, एक इससे एक इससे, और मेरा आईएसपी कनेक्शन क्या था, एक ही था सिंगल। अब सपोज इसकी स्पीड क्या थी, 100 Mbps, इसकी नीचे वाली की क्या थी, 25 Mbps। इस राउटर नंबर 1 पे मैंने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे 192.168.10.1 यहाँ पे दे दिया, सपोज 192.168.10.2। राउटर का ये इंटरफेस क्या एक्ट करता है, एज अ डिफॉल्ट गेटवे। अगर हम देखें तो डिफॉल्ट गेटवे सेट करने के हमारे पास बस एक ही ऑप्शन होता है, और यहाँ पे क्या है, क्या है मेरे पास, दो दो ऑप्शन है क्या सेट करने के लिए, डिफॉल्ट गेटवे। अगर आप अपने लैंड कार्ड में भी देखेंगे, मैं दिखाऊं, आपके लैंड कार्ड में भी क्या होता है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता है ना आपके पास, ncpa.cpl। वो भी आप एक इथरनेट का एक प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, TCP/IP version 4 प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, अगर मैं स्टैटिक वे में दूंगी, डिफॉल्ट गेटवे सेट करने का बस एक ही ऑप्शन होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे दो दो ऑप्शन है। क्लियर? आईपी तो मैम हो और हो जाती है, एडवांस में जाके एक आईपी और असाइन कर सकते हैं, गेटवे शायद एक ही रहता है। गेटवे हमेशा एक होता है, ठीक है, आईपी तो आप असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, बट गेटवे आप हमेशा क्या देते हैं, एक एक ही ऑप्शन ही होता है आपके पास। इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सपोज यहाँ पे क्या है, अब मैंने सारे पीसी पे क्या सेट कर दिया, गेटवे 10.1 10.1 10.1 10.1 सेट कर दिया, बट अगर मेरा राउटर नंबर 1 फेल हो गया तो मुझे वापस सारे पीसी पे जाके क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूंगी, 10.2 10.2 यही करूंगी। अब मेरा राउटर नंबर 1 ही फेल हो गया तो मैं चाहूंगी ना मेरे सारे ट्रैफिक किससे जाए, राउटर नंबर 2 से जाए। बट अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 200 पीसी हैं तो क्या होगा, इट्स टेक टू मच टाइम, एक बहुत मतलब बिल्कुल ही वो हो जाएगा कि यही मेरा काम है क्या, कि एक बार मैं जाऊं डिफॉल्ट गेटवे ये सेट करूं, एक बार मैं जाऊं डिफॉल्ट गेटवे ये सेट करूं। क्लियर? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आईपी सर्विसेज में आप डिफॉल्ट गेटवे की रेडिडेंसी बनाते हैं। ये जो आपकी दो दो डिफॉल्ट गेटवे हैं 10.1 10.2, हम क्या सीखेंगे इसमें, डिफॉल्ट गेटवे की रेडिडेंसी बनाना। तो मैं इन दो डिफॉल्ट गेटवे को कंबाइन करके क्या बनाऊंगी, एक वर्चुअल आईपी। क्लियर? एंड उसको मैंने आईपी दे दिया, सपोज क्या, 192.168.10.254। और जब मैं कंबाइन कर रही हूँ दोनों,
किसको डिफॉल्ट गेटवे को वर्चुअल आईपी मैं जब क्रिएट कर रही होंगी तो उसी टाइम में बताऊंगी क्या कि किस राउटर को प्राइमरी रखना है एंड किस राउटर को सेकेंडरी रखना है। क्लियर है? देन मैं क्या करूंगी, अपने सारे पीसी पे जाके वर्चुअल आईपी सेट कर दूंगी, क्या 192.168.10.254। क्लियर है? तो मेरी सारी अगर ट्रैफिक प्राइमरी से जा रही होगी, वर्चुअल आईपी जो आप बनाएंगे वो किस इंटरफेस को देंगे, कैसे करेंगे? अभी हम पूरा लैब करेंगे इस पे। ओके, ठीक है, हम इस इंटरफेस पे बताएंगे जो मेरे लैन साइड में होगा। राउटर का ये जो भी इंटरफेस होगा, सपोज 0/0 है, सपोज 0/1 है, इस पे बनाएंगे। इन दोनों के राउटर का मिला के हम यहाँ पे वर्चुअल आईपी बनाने वाले हैं। और उसको कोई भी आप आईपी दे सकते हैं, सपोज मैं जो दे रही हूँ वो दे रही हूँ 10.254। क्लियर है रवि जी? तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में अगर मेरा प्राइमरी डाउन भी होता है तो ऑटोमेटिक मेरी सारी ट्रैफिक किससे चली जाएगी, मेरे सेकेंडरी से चली जाएगी। और प्राइमरी एक्टिव है तो देखिए यहाँ पे कुछ रोल्स होते हैं। अगर आपका प्राइमरी आपका क्या बन रखा है, एक्टिव राउटर, तो आपका सेकेंडरी क्या बना होगा यहाँ पे, स्टैंड बाय। क्लियर है? और जैसे आपका क्या हो गया, एक्टिव डाउन गया, स्टैंड बाय क्या बन गया, एक्टिव बन गया। क्लियर? तो हम टॉपिक क्या स्टडी करें, आईपी सर्विसेज, जिसको हम FHRP भी कहते हैं, फर्स्ट होप रेडंडेंसी प्रोटोकॉल। स्टार्ट करें, FHRP क्या होता है? FHRP में आप तीन प्रोटोकॉल स्टडी करते हैं, कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। इस सिनेरियो में किसी को कोई डाउट तो नहीं, मैंने पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम यहाँ पे बताई है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देन क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देन क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? क्लियर है साहिब? चलिए, क्लियर है। FHRP होता क्या है, चलिए पहले इस पे हम बात करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट होप रेजिडेंसी प्रोटोकॉल। और FHRP के अंदर क्या होता है, तीन प्रोटोकॉल स्टडी करते हैं, कौन कौन से, HSRP, VRRP एंड GNBP। अब HSRP क्या होता है, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। तो चलिए हम HSRP से स्टार्ट करते हैं। हॉट स्टैंड बाई राउटिंग प्रोटोकॉल, राइटिंग क्लियर है ना? चलिए, HSRP आपका क्या होता है, ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है। कहां पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वी ऑलवेज कॉन्फ़िगर ऑन लैन इंटरफेस। क्लियर? हमेशा HSRP आप कहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने लैन इंटरफेस पे, जहां पे आप क्या लगाते हैं, अपने पीसी लगाते हैं, वहां पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्या, HSRP। क्लियर? और ये क्या होता है, इट यूज UDP प्रोटोकॉल, याद है ना, TCP UDP, एंड पोर्ट नंबर इसका क्या होता है, 1985, मींस 1985। पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 1985। और ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है, सो इट इज लेयर 7 प्रोटोकॉल। इसके अंदर कुछ टाइमर होती है, हेलो,
टाइमर क्या होती है इसके अंदर, एक हेलो टाइमर होता है और एक आपका होल्ड टाइमर होता है। हेलो टाइमर जो होता है वो आपका 3 सेकेंड का होता है एंड होल्ड ऑन टाइम क्या होता है आपका 10 सेकेंड का होता है। क्लियर है यहाँ तक रवि जी साहब? ओके। तो इसमें आपकी जो हेलो 3 सेकेंड की होती है, होल्ड आपकी 10 सेकेंड की होती है एंड देन इसमें कुछ इसके स्टेट या आप उसको रोल्स कह सकते हैं, रोल्स होती हैं जो आपकी होती है अराउंड 6 टाइप की। ठीक है, फर्स्ट जो होता है आपका वो होता है एक्टिव राउटर, मतलब एक्टिव रोल स्टेट में आप उसको एक्टिव स्टेट कह सकते हैं। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है आपका स्टैंड बाय, मेन तो आपके यही दो होते हैं। ठीक है, बट मैं और भी बता देती हूँ, आपकी लिसनिंग होता है, लर्निंग होता है, स्पीक होती है एंड देन डिसेबल होता है या फिर इनिशियलाइजेशन होता है, इसी को आप इनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्टिव में क्या है, एक्टिव स्टेट जो होगा नेम से हमें पता चल रहा है क्या कि मेरे सारे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि वो स्टेट क्या है आपका एक्टिव है, वो राउटर क्या है आपका एक्टिव है। स्टैंड बाय का मतलब क्या हो गया आपका, जस्ट लाइक अ बैकअप, अगर एक्टिव डाउन हुआ तो स्टैंड बाय राउटर क्या बन जाएगा आपका एक्टिव राउटर बन जाएगा। क्लियर, और लिसनिंग में क्या होता है, जो आपके हेलो मैसेज आते हैं वो लिसनिंग स्टेट में उसको रिसीव करता है, और लर्निंग में क्या होगा उसी स्टेट को फिर देन लर्न करेगा। ठीक है, एंड स्पीक में सेंड करता है, सेंड एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग हेलो मैसेज, जो भी आपकी हेलो मैसेज आएगी उसको क्या करेगा सेंड भी करेगा एंड रिसीव भी करेगा। और डिसेबल में क्या है, नेम से ही हमें पता है क्या कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, किसमें HSRP में। क्लियर यहां तक स्टैंड स्टेट एंड रोल्स? क्लियर है रवि जी? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए HSRP के अंदर क्या होती है, टू टाइप्स की वर्जन होती है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ वर्जन इन HSRP प्रोटोकॉल, मींस हॉट स्टैंड बाई राउटिंग प्रोटोकॉल। कौन कौन से वर्जन होते हैं, वर्जन 1 एंड वर्जन नंबर 2। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है डिफरेंस वर्जन 1 में एंड वर्जन 2 में। वर्जन 1 HSRP क्या यूज करता है, यूज मल्टीकास्ट एड्रेस, और यहां पे इसका मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है 224.0.0.2। क्लियर, बट अगर मैं वर्जन 2 की बात करूं तो यहाँ पे HSRP मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज करता है, यूज मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.102। ठीक है, तो वर्जन 2 में मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज होती है इन HSRP 102 एंड इन वर्जन 1 HSRP use multicast address 224.0.0.2। clear? अच्छा RIP EIGRP OSPF का multicast address क्या होता है? जल्दी बताइए देन आगे चलो। साहिल रवि जी कल ही परसों डिस्कस किया था फिर भूल गया, वही तो बात है, कल ही परसों पूछा था। अरे वर्जन 1 का क्या मतलब, बस ये बता दीजिए मुझे आप EIGRP और OSPF मत बताइए। जीरो जीरो डॉट नाइन था मैम उसका RIP का। कौन सा वर्जन 1 का कि वर्जन 2 का? वर्जन 2 है 9 का, पता वर्जन 1 का तो 1 का क्या होता है। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया आपका
पूरा बताइए साहिल, ठीक है? 224.0.0.9 सपोज वर्जन 2 का है, तो वर्जन 1 का क्या है फिर? 8, 7, 6 क्या है? वर्जन 1 वाला ब्रॉडकास्ट था ना मैम, उसमें सारे फुल रख रहे थे हम। यही तो मैं पूछ रही हूँ, इसका कोई मल्टीकास्ट नहीं होता, ठीक है? ये क्या होता है आपका? ब्रॉडकास्ट होता है। और इसमें क्या होते हैं आपके? सारे ऑक्टेट फुल। क्लियर? तो याद रखिए प्लीज, सिर्फ वर्जन 1 में मल्टीकास्ट का सपोर्ट ही नहीं करता वो मल्टीकास्ट को। क्लियर? चलिए आगे चले। इस तरह HSRP के वर्जन 1 में 224.0.0.2 यूज करता है, वर्जन 2 102 यूज करता है, ठीक है? याद रखना है हमेशा। और इसमें कुछ ग्रुप नंबर के कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी हम यूज करेंगे लैब में। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लेके 255 तक। ग्रुप नंबर आप रेंज कहाँ तक यूज कर सकते हैं? 1 से लेके 255 तक। वर्जन 1 की मैं बात कर रही हूँ, बट अगर आप वर्जन 2 में ग्रुप नंबर के रेंज की बात करेंगे तो उसकी रेंज थोड़ी वर्जन 1 से डिफरेंस होती है। क्या? यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका ग्रुप नंबर 1 से लेके 1024 और यू कैन से 4096 तक। क्लियर? और ये वर्जन 1 क्या सपोर्ट करता है आपको? आईपी वर्जन 4 को सपोर्ट करता है। बट वर्जन 2 आपका सपोर्ट करता है क्या? आईपी वर्जन 4 को भी एंड आईपी वर्जन 6 को भी। क्लियर? क्लियर है? एंड देन यहाँ पे इसका मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट आता है। जो कैसा होता है आपका मैक एड्रेस? मैक एड्रेस की साइज क्या होती है? 48 बिट, ठीक है? तो 48 बिट में आपका क्या होगा? कुछ पोर्शन आपके फिक्स्ड होते हैं एंड लास्ट की जो आपकी 2 डिजिट होगी, सपोज XX, ये क्या होता है आपका? XX मींस ये आप जो भी ग्रुप नंबर वहां पे दिए होंगे वो ग्रुप नंबर कंबाइंड होके कहां पे आ जाएगा? आपके मैक एड्रेस में। सपोज आपने दिया है ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा? 01। सपोज दिया आपने ग्रुप नंबर 10, तो कैसे दिखेगा? 10। क्लियर? तो मैक एड्रेस में जो लास्ट 2 डिजिट आपकी आएगी वो आपकी क्या होगी? ग्रुप नंबर होगी। बाकी आगे की जो भी आपकी वर्जन 1 HSRP की वर्जन 1 का मैक एड्रेस होगा उसकी वैल्यू एग्जैक्ट बिल्कुल फिक्स होगी। मैं आगे आगे बताऊंगी क्या होता है पूरा टोटल मैक एड्रेस, ठीक है? इसी तरह सेम वर्जन 2 में भी होता है, जो आपका मैक एड्रेस होगा उसकी आपके आगे की वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड होगी एंड लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होगा? ग्रुप नंबर को कंबाइन कर देगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? सो जब भी हम HSRP इनेबल करते हैं हमें वहां पे क्या डिफाइन करना होता है? ग्रुप नंबर, और वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ग्रुप नंबर की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है कि HSRP अपना वर्चुअल मैक एड्रेस ग्रुप नंबर से ही बनाता है। क्लियर? इसलिए ग्रुप नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? जो आपने एक राउटर पे कॉन्फ़िगर करा है वही आप दूसरे राउटर पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट ऑलवेज बी सेम। क्या आपका? ग्रुप नंबर। क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो ये आपकी क्या थी? डिफरेंस थी वर्जन 1 में एंड वर्जन 2 में। अब आपका कुछ HSRP में भी कुछ इलेक्शन क्राइटेरिया आता है, जैसे इलेक्शन